नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पीछे आप देखो, मैं इस समय हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गोपालपुर एरिया में और यहाँ पर मैं हूँ धौलाधार प्रकृति उद्यान, धौलाधार नेचर पार्क और उसके साथ साथ ज़ू। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि ये ज़ू कहाँ पर है, एग्जैक्टली लोकेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। और चलते हैं, यहाँ से इसकी एंट्री है, आपको मैंने दिखा दी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंदर ले चलूँ, मैं आपको जानकारी बता दूँ। ये इस तरफ का ये जो रोड आ रहा है ना, ये जो रोड है ये धर्मशाला पालमपुर रोड है, धर्मशाला पालमपुर रोड है। ये वाला एरिया पालमपुर की साइड जाता है और ये वाला एरिया धर्मशाला की ओर। इसी की रोड के बीचों बीच में ये ज़ू है, धौलाधार नेचर पार्क, जो कि स्टेशन का नाम है गोपालपुर। यहाँ से आप एंट्री करोगे दोस्तों जब, तो अंदर आपको पार्किंग मिल जाएगी, फोर व्हीलर भी और टू व्हीलर भी। और अगर मैं टिकट की बात करूँ तो सामने आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और टिकट काउंटर के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। टिकट कितनी की है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि टिकट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा अंदर जो है एंट्री करूँगा। यहाँ से दोस्तों हम प्रवेश करेंगे, यहाँ पर अंदर ही आपको कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और सीधा हम चलते चलेंगे। सामने रेस्टोरेंट है, अगर आप कुछ खाना पीना करना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी बर्गर छोटा मोटा मैगी चाउमीन आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें, मैं आपको आज रूबरू करवाऊँगा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गोपालपुर के धौलाधार नेचर पार्क के, बने रहेंगे। सो मेन जो इस पार्क की या ज़ू की हद शुरू होती है वो यहाँ से हो जाती है, जैसे ये ऊपर लिख रखा है धौलाधार नेचर पार्क। और यहाँ पर समय बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा इस प्रकार का आपको मिलेगा। शुरुआत में यहाँ पर जी क्या क्या है वो आपको पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सामने शौचालय की सुविधा भी है महिलाओं और पुरुषों के लिए। और चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये बच्चों के लिए पार्क यहाँ पर बनाया गया है, आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ नोट भी लिखे हुए हैं जी, ये सिर्फ 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो अगर आप 12 वर्ष से ऊपर हैं तो कोशिश करें कि आप ये जो खिलौने यहाँ पर लगाए हैं, जो भी ये बच्चों के खेल कूद के लिए चीज़ें बनाई हैं, उस पर आप लगाएंगे तो ये भी अच्छा है, बच्चों के खेल कूद के लिए आप ले सकते हो। ऑल राइट दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, बेटी छलांग लगाओ। ऑल राइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। ऊपर की तरफ आप अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फॉरेस्ट जैसा है, जंगल जैसा है ऊपर इस तरफ। और पीने का पानी की सुविधा भी यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको अगर एक्वा गार्ड वगैरह नहीं मिलता, फिर भी आप यहाँ के पानी का विश्वास कर सकते हैं, जो ख़ासकर बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है दोस्तों वो पहाड़ों का होता है, तो शुद्धता में कोई भी यहाँ पर आपको कमी नहीं। इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है जी टर्टल इंक्लोजर। अगर मैं यहाँ से ऊपर चलूँगा, देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पर कुछ मिलता है तो ये कछुओं का स्थान होगा, दिख रहे हैं वैसे कछुए थोड़े से यहाँ पे, जाली थोड़ी सी आगे आ गई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक कछुआ ऊपर बैठा हुआ है, ये भी पता नहीं असली है कि नकली, जानता नहीं हूँ, असली होगा शायद। जिस तरफ मेरे कैमरा का रुख है दो उस तरफ हैं और एक उस तरफ है। और दोस्तों हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी इंडियन ब्लैक टर्टल। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये पक्षी है, और इस पक्षी को मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ,
ये देखिए थोड़ा मैं जूम भी कर दूंगा ताकि आप ध्यानपूर्वक देख पाएं। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये नीचे की तरफ भी कहीं रास्ता जाता है, ये कहाँ जाता है? मेरे ख्याल से ऐसा साधन कोई ज़रूर होगा कि हम इसी आर्क से वापस यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप करूँगा लेकिन आगे चलूँगा। यहाँ जी एक और कोई जीव मुर्गे हैं, जंगली मुर्गे टाइप, लेकिन वो दरअसल अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़े थोड़े दूर है। चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे क्या है, यहाँ पर आपको मोस्टली मेरे ख्याल से पक्षियों वाला सेक्शन ही मिलेगा। देखो जी पीकॉक, और इसी के साथ साथ वो एक जंगली मुर्गा भी है। यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और अगर आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये हिरन से दिखेंगे। जू में आने की थोड़ी समस्या ये होती है कि जानवर नज़दीक नहीं होते, ये दूर दूर होते हैं, उसकी वजह से सही तरीके से जो विजिबिलिटी नहीं हो पाती। चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ। और देखो ये वो पंछी हैं जो आज़ाद हैं, जंगली पंछी, और ये है जी लव बर्ड्स। ये है लव बर्ड्स, और ये बाज़ार में भी आपको दोस्तों मिल जाते होंगे, जो आपने देखा होगा कुछ लोग बेचते हैं इनको। यहाँ पर आपको चीज़ें सुमित्रो, यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर होगी आगे तो वो दिखाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको रास्ता दिखाता रहा तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके लिए भी। तो कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग होगा दैट आई विल शो यू। सो ये भी एक जू का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर सामने टॉयलेट बना हुआ है, और इधर से आप ऊपर जाना हो अगर जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं इस तरफ से भी आप जा सकते हो, ताकि आप थोड़ा जंगल का जो रास्ता है जंगल को एंजॉय कर सको। और ये छोटा सा यहाँ पर ये कुछ प्लांटेशन यहाँ पर कर रखी है जो कि शो पीस वाले पेड़ होते हैं, और ये भी थोड़ा जंगल जैसा है। बने रहे दोस्तों। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर शेर और शेरनी है, दरअसल काफ़ी दूर है दोस्तों, तो कैमरे में देखना मुश्किल होगा लेकिन आंखों से ज़रूर मैं देख पाऊँगा। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ना कि जिधर टॉयलेट है और छोटा सा पार्क जैसा बनाया है जिधर ये प्लांटेशन की है, यहाँ पर लायन और लायनेस दोनों हैं, लेकिन इस समय सोए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ी आवाज़ करूँ और वो जागे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी आप जू में ऐसी कोई ट्राई ना करें, जानवरों को छेड़े ना आए, क्यों कोई पत्थर वगैरह ऐसा कुछ ना करें, चुपचाप देखें चले जाएँ। चलते चलते दोस्तों, ये एक शेड सा बनाया हुआ है, अभी जैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो बारिश हो या मतलब धूप हो ज़्यादा तो आप यहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन केस किसी एमरजेंसी में अगर आपको बैठना है, रेस्ट करनी है, तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ शेड ही नहीं है, लेकिन आपको ये ऐसी प्रकार की बेंचेस मिल जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेंचेस मिल जाएंगे, तो आप इन बेंचेस का इस्तेमाल कर थोड़ी देर पेड़ की छाँव में आराम कर सकते हैं। सो मित्रों, चलते चलते मैं इस रास्ते पर आया, यहाँ पर ये दो रास्ते हैं, नीचे की ओर रास्ता कौन सा है और ये वाला रास्ता कौन सा है, इसकी डायरेक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं। ये है जी सांबर और लेपर्ड। सो लेपर्ड अगर आपने देखना है तो आपको ये नीचे वाला रास्ता लेना पड़ेगा, सांबर अगर देखना है तो इस तरफ, और टॉयलेट्स भी आपको आगे को मिलेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कर सकते हो। तो फिलहाल तो क्या करूँगा मैं, लेपर्ड वाला जो सेक्शन है डाइवर्शन है वो मैं लूँगा, वो रास्ता लूँगा, बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। हेलो लेपर्ड, थैंक यू फॉर कमिंग। दोस्तों आ तो गया है, थोड़ा जाली की वजह से गर्मी लग रही है उसको। तो दोस्तों ये है लेपर्ड वाला सेक्शन, और इसको बोल, ये कॉमन लेपर्ड है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है।
तो दोस्तों ये लेपर्ड वाला सेक्शन है और इसके बिल्कुल सामने अगर आप जाओगे तो आपको ईमू वगैरह दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा नज़दीक है तो मैं यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से नज़दीक। तेंदुआ है यहाँ पे, लेकिन ये फ़िलहाल बैठा हुआ है यहाँ पे, जैसे वो पहले वाला चल फिर रहा था ना। तो दोस्तों जू में वैसे ये है कि आप आओगे तो कैमरा अगर हमारे पास जूम वाला हो तो उससे तो बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं, तो उस व्लॉगिंग वाले कैमरे में तो नहीं हो पाएगा इतना अच्छे तरीके से। लेकिन ये भी कॉमन लेपर्ड तेंदुआ यहाँ पर भी है दोस्तों, ये आराम फरमा रही है। लेकिन उसका सेक्शन अलग है, इसका अलग है। वहाँ फिजिकल कैमरा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये एक सेक्शन जो है ये पूरा तेंदुओं का सेक्शन है। इस प्रकार यहाँ से हम वापस आए हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी गलियाँ सेक्शन हैं जो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगी। इस तरफ भी ये कुछ है पर दिख नहीं रहा कि क्या है, लेकिन आगे बोर्ड लिखा हुआ। अच्छा, ये वो लाइन वाला सेक्शन ही है। अच्छा, वो आगे बोर्ड लगा हुआ ना, ये लाइन वाला सेक्शन। यहाँ से हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। सो दोस्तों इन सीढ़ियों से उतरते हुए हम आए और ऊपर ये वॉच टावर है, जा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी असमंजस ये थी कि क्या हम यहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं, परंतु मैंने यहाँ पर किसी को देखा नहीं ऊपर वैसे, तो इसलिए मैं भी नहीं गया। तो अगर आप कोई यहाँ पर पहले से आ चुका है और वो जानता है कि क्या हम यहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमारे और जो श्रोता हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता चल जाए। इस तरह भी एक सेक्शन है नीचे, आप जा सकते हो, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बेंचेस मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे इस तरफ। और ये जो सेक्शन है ये लॉयन और लॉयनस वाला सेक्शन है, ये हम आपको थोड़ा सा ढंग से दिखा नहीं पाए क्योंकि वो एक्चुअली आराम फरमा रहे थे। लेकिन चलो आप बने रहें वीडियो में दोस्तों, और देखते हैं और क्या यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें हैं जिसको मैं समझूंगा कि जो आपके साथ में साझा करूँ। बने रहें ब्लॉग। तो यहाँ पर हम आए हैं लॉइन वाले सेक्शन के बाद, देखिए जी बाजी है ना ये। थोड़ा मैं उस तरफ जाता हूँ क्योंकि उस तरफ से ये नज़दीक बैठा हुआ है, लेकिन ये चला गया डर के मारे। तो दोस्तों ये चील वाला सेक्शन है। सो इस सेक्शन के बाद हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे, और देखते हैं आगे और क्या है। मुझे तो वैसे ऐसे लग रहा है कि शायद हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ी कोई ज़ू नहीं है ये, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम हियर तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर समय व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ भी शेड सा बना हुआ है, उस तरफ फॉरेस्ट जंगल। सो दोस्तों यहाँ से ये पूरा हम रास्ता कवर करके नीचे की ओर आए, और नीचे की ओर जब आप जाओगे तो यहाँ पर एग्ज़िट है। तो ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, और इस तरफ अंत में आप अगर चाहो तो अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो। जैसे यहाँ पर झूले हैं, स्लाइडिंग है, और आप आनंद मना सकते हो बच्चों के साथ। वैसे तो फ़िलहाल मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ये बता दिया था। सो दोस्तों ये है गोपालपुर ज़ू, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ये आपको पालमपुर धर्मशाला रोड पर मिलेगी। फिर से मिलता हूँ एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।